हरी चलेगी नहीं चलेगी, किसानों का मुआवजा हाय हो। नारे लगाते हुए लोगों की ये तस्वीरें छिंदवाड़ा से आई है। यहाँ पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। तभी अचानक प्रदर्शन उग्र हो गया और युवा नेता बंटी पटेल ने एसडीएम के मुंह पर काले पोत दी। उग्र भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने आनन फानन में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं चला, जिसके बाद कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार पर बाढ़ पीड़ितों और किसानों की मदद न करने का आरोप भी लगाया। हमने पूर्व में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर जो अतिवृष्टि हुई थी, इससे जो किसानों का नुकसान हुआ, हमारे गरीब परिवार के हजारों लोग मकान से घर से बेघर हो गए। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी जिन निकम्मे लोग जो हैं कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और सोकर कानों में इनके जू नहीं रेंग रही है, तो हमने घंटी गांगी, हमने घंटी बजा के हमारे सम्मानी नेता सम्मानी कमलनाथ जी ने हमें निर्देशित किया कि आप जाओ, लोगों की लड़ाई को लड़ो। हमारे भाजपा के लोग आ रहे हैं, 10-20 गाड़ी से जाते हैं, बताते कि मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम पैदल चले, 61 गाँव गए, पेज और कुलभेरा नदी का पूरा आजू बाजू का हिस्सा हमने देख कर आया। 8 दिन हमको लगे, 8 दिन में हम लोगों के साथ वहाँ रुके, उनके हाल चाल जाने। आप जाएंगे तो रोना जाएगा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। 3 बार हो गए, कभी कहते खैरघाट आऊँगा, कभी कहते हैं कि मैं आमगांव आऊँगा, कभी कहते हैं कि मैं झिलमिली उतरूँगा, लेकिन एक भी बार नहीं आए। 10 से 15 लाख रुपए आने जाने में खर्च हो गए प्रशासन के। ये पैसे गरीबों को दे दिए होते तो कम से कम उनको छत मिल जाती, फट्टी मिल जाती। वहीं पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका होने के कारण सरकार जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज जो किसान मजदूर संघर्ष को लेकर के भाई बंटी पटेल के नेतृत्व में आज पूरे 62 गांव और 200 किलोमीटर की यात्रा आज समापन हुई है, अने ये दुखद यात्रा है, क्योंकि हमारे गरीब भाइयों के मकान चले गए, किसानों की फसल तो छोड़ो, नदी के आसपास 2-2 किलोमीटर तक जो है वो उपजाऊ मिट्टी बह करके चली गई। जो किसानों ने जो अपने बच्चों के लिए कुछ रखा था वो भी उन्होंने मतलब पूरे के पूरे नदी में बह गए, यहाँ तक कि सैकड़ों ट्रांसफार्मर खंभे सहित बह गए। आज 20 दिन हो रहे हैं इस घटना के, इसके बाद भी अतिवृष्टि के कारण आज भी सरकार जो है गूंगी बहरी है। अभी भी उसने कोई चेतावनी देने के लिए हमने यात्रा निकाली थी, और इसके पहले जिला स्तर पर भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, पूरे जिले में हो रहा है, पर शिवराज सिंह जो है कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। गरीबों की उनको कोई फिक्र नहीं है, किसानों की कोई फिक्र नहीं है, 1 रुपए भी उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया है। अगर इन्होंने ये अगर घोषणा जल्द से जल्द आजकल में नहीं की तो इससे बड़ा आंदोलन होएगा, और अभी तो मुंह काला हुआ है, इसके बाद जूते भी मारे जाए। किसानों और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की बात पर तहसीलदार ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, जो भी शासन के निर्देश के अनुसार या मापदंड के अनुसार जो भी वास्तविक क्षति का है उसका आकलन कराया जा रहा है। हमारे पटवारी मतलब अमला जो फील्ड का स्तर का अमला है वो सर्वे कर रहा है, उसके लिए हम बिल्कुल जो RBC के तहत जो मापदंड है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। मकानों के लिए भी जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं वो जो RBC के मापदंड है उसके हिसाब से राशि दी जाएगी, और जो आंशिक क्षतिग्रस्त है उसके लिए भी सभी के लिए प्रावधान है, जिसका कपड़ा बर्तन जो भी क्षतिग्रस्त हुआ सबके लिए RBC के तहत जो है मापदंड उसके अनुसार दी जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ उसके बारे में नहीं कुछ नहीं। किसी के प्रावधान है उसके तहत दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बंटी पटेल बाढ़ प्रभावित 60 गांवों की 200 किलोमीटर तक पदयात्रा कर चुके हैं, जिसका शुक्रवार को समापन था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर SDM कार्यालय में ये प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।